हमने फ्रैंकफर्ट से ट्रेन लिया, हम पहुँचे कोबलेंस। कोबलेंस में जाके फिर हमें ट्रेन चेंज करना पड़ा, ट्रेन चेंज किया एंड देन फिर हम पहुँचे कोबलेंस के बगल बगल से। और कोबलेंस से जो बैडहॉनिफ का जो रास्ता था, दैट वॉज वे थ्रू हिल्स एंड रिजेस एंड नियर द रिवर, तो बहुत ही सीनिक रूट था। पहले तो मुझे लगा मैं कहाँ पहुँच गया हूँ भाई, इतना सुंदर जगह है। बट होता है ना कि आप जैसे जैसे किसी गांव या कस्बे में घुसते जाते हैं तो आप थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक भी होता है, एटलीस्ट मेरे साथ तो होता ही है, कि जैसे आप कहीं पे घुसते जा रहे हैं, कोई एक नई जगह बनती जा रही है, आपका जो एग्जिस्टिंग सीनरी था वहाँ से चेंज हो रहा है, आप सिटी लाइफ से किसी गांव के लाइफ में आ रहे हैं। ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन होने में भी टाइम लगता है। आप अगर सोचो कि एक दिन में ही आप पहुँच जाओगे, हाँ ठीक है, लगेगा आपको अच्छा लगेगा, इन द सेंस कि आप जैसे किसी हॉलीडे मनाने आ रहे हैं, पर यहाँ पर मैं हॉलीडे नहीं मनाने आ रहा था, यहाँ पर मैं एग्जैक्टली रहने जा रहा था। आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग, 1.5 years, 2 years, दैट वॉज द थिंग, दैट वॉज द क्वेश्चन। जैसे जैसे मैं अंदर जाते गया, वैसे वैसे मैं थोड़ा सा अपने आप को सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों आया मैं। एंड देन फाइनली आई रीच द स्टेशन बैडहॉनिफ का। टू बी रियली ऑनेस्ट, बैडहॉनिफ के स्टेशन में मैं पहुँचा शाम के 5 या 6 बजे के आसपास। शाम के 5 या 6 बजे बैडहॉनिफ स्टेशन में इतनी भीड़ नहीं होती। आपकी ट्रेन अगर जैसे ट्रेन आई तो तभी लोग उस पर या तो चढ़ने वाले या तो उतरने वाले, तभी वो लोग आते हैं वहाँ पे, वरना वो स्टेशन पूरा खाली रहता है। मतलब कि ना बंदा ना बंदी की जात, ये वाला हिसाब किताब है। तो सब लोग तो अपना बस वस पकड़ के निकल गए, क्योंकि मुझे बस का एकदम आइडिया नहीं था। मेरे को पता था कि मेरे को टैक्सी लेनी है। और पहले पहले आप जब इंडिया से यूरोप ट्रैवल कर रहे होते तो आप हर एक यूरो का हिसाब किताब रखते हैं कि अरे यार यहाँ पे 60 रुपये चले गए, 1 यूरो निकल गया। और वो टैक्सी राइड थी 10 यूरो की स्टेशन से मेरे वहाँ तक, एंड द टोटल कॉस्ट कुड हैव बीन लाइक एट दैट टाइम 75 रुपीज़ था 1 यूरो का, तो 750 रुपीज़। या दो बार सोचना पड़ता है आदमी को, आदमी स्टूडेंट के हिसाब से जा रहा है एंड देन ही इज़ नॉट अर्निंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, टैक्सी तो लेना ही, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। टैक्सी लिया, टैक्सी ने 10 मिनट में अपना काम करके पहुंचा दिया। असली मज़ा तब आता है। मैं पहुंच गया, टैक्सी को बाय बाय बोल दिया, टैक्सी चला गया। मेरे पास एड्रेस है, मैं स्ट्रीट पे हूं, पर मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि घर कौन सा है। अब क्या है कि घर पे शायद से नंबर बहुत छोटा सा लिखा होता है, मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ प्रोबेबल जगह पे, कैसे दीवार पे लगा होगा या कहीं पे लगा होगा, या दूसरे घर के नंबर देख रहा हूँ कि कहाँ पे लगे रहते हैं। अब यहाँ पे एक यूनिक सी चीज़ है जो फिर मेरे को बहुत बाद में जाके पता चली, जो यहाँ पे मेरे को शायद इंडिया में भी नहीं पता थी। जैसे रोड का एक साइड है और रोड का दूसरा साइड है, दोनों साइड घर है मान लीजिए, ठीक है। तो एक साइड में ऑड नंबर के घर रहते हैं और एक साइड में इवन नंबर के घर रहते हैं। अब क्या है कि अगर आप इवन नंबर पे ढूंढने जाओगे, 2 के बाद 3 ही आता है, तो आदमी 3 ही ढूंढने आएगा। अब उसको पता थोड़ी है कि यहाँ पे सारे इवन नंबर है। अब किसी को अगर 3 नंबर चाहिए तो उसको इस यहाँ पे देखना पड़ेगा, और फिर वो यहाँ पे देखे तो यहाँ पे लिखे आ रही है यहाँ पे 1 है। एनीवेज, तो वो एक ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता। तो आपके पास सामान इतना ज़्यादा है, आप एक नए गाँव में हो जहाँ पर आपको किसी का पता नहीं है। एंड सेकेंड जो मेरे साथ हुआ कि मैं वहाँ पर लोगों को पूछने लगा, एक बहुत ही वृद्ध इंसान थे, वृद्ध तो नहीं बोलूँगा, 60-70 साल की उनकी उम्र होगी, वो साइकिल से जा रहे थे। तो मैंने उनको रोका था कि सर मुझे ये वाला घर नहीं मिल रहा है, आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज़, कि ये वाला घर कहाँ पे है। वो पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर मैंने कहा ये तो जर्मन बोलते हैं। मेरी तो तब उतर गई कि यार 1, 2, 3 को क्या बोलते हैं। तो फिर मैंने ज्वाय नुमा ज्वाय केश प्ला साइंस जॉय, या एड्रेस मैं भूल गया हूँ बट आई थिंक सो वैसे ही कुछ था। तो उन्होंने बोला हाँ या। फिर मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा कि अरे ये कैसा बिल्डिंग है, बट मैंने तब गूगल मैप्स पे देखा भी नहीं था। मैंने एनीवेज बेल बजाया एंड थैंक गॉड समवन केम आउट एंड रिकग्नाइज दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग समवन एंड दैट वॉज मी। सो this was the whole story of me coming to Germany in the first day, my first experience. it was insane. main kamre mein fir main ghusa wahan pe, unhone mujhe accept kiya
एंड देन उन्होंने बोले, मेरे को पहले कमरे में घुसने से पहले बोला कि अच्छा ठीक है आप आ गए हैं, आप डिपॉजिट पे करिए. ऑफ कोर्स आई एम ए फॉरेनर फॉर हिम, सो ही, उसके लिए उसका पैसा सबसे मेन मोटिव रहेगा कि हाँ ठीक है पहले मैं उसे पैसे लूँ फिर मैं उसको घर दूंगा. तो ठीक है, आई गिव हिम अ डिपॉजिट ऑफ वट एवर मनी इट वॉज रिक्वायर्ड एंड देन ही शोड मी द रूम एंड आई वेंट इनसाइड द रूम. मैंने रूम में सामान रखा, मैं करीबन नहीं तो आधा घंटा लिटरली ऐसे हाथ लेके ये कर रहा था मैं. सो दिस इज माई स्टोरी ऑफ फर्स्ट एंजल.